अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम स्टूडेंट्स को सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर में खुश आमदीद कहते हैं। एक्सरसाइज 6.2 की वीडियो नंबर 3 आपके सामने पेश कर रहे हैं। 6.2 में हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के चंद पार्ट किए थे, आज उसके बाकी पार्ट और वक्त दामन वक्त में गुंजाइश रही तो आगे के पार्ट भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आइए देखें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट था वो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, हमें सम मालूम करना था। यकीनन याद रहा होगा आपको, सम टू एंड टर्म फार्मूला इस्तेमाल करके हमें इस गिवन सीक्वेंस का सम कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये सीक्वेंस जो बड़ी अजीब व गरीब लिखी हुई है, जिसमें फर्स्ट टर्म इसमें 1 - 1/n है कॉमे के बाद, फिर दूसरी टर्म 1 - 2/n है, फिर तीसरी टर्म 1 - 3/n है, और आखिर में कितनी टर्म्स का सम करना है, एन टर्म्स का सम करना है। यानी एन की वैल्यू यहाँ मैंशन नहीं है कि 5 है 10 है 100 है, एन की जगह एन ही रहेगा। लिहाजा जब आप सम निकालेंगे तो n टर्म्स का सम ही निकलेगा, तो जवाब में भी n आएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। आइए स्टूडेंट, सवाल हल करने का कायदा बिल्कुल वैसी होगा जिस तरह से कि हम पहले आपसे डिस्कस कर चुके। आइए यस, कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो आपको नजर आ रहा है 1 - 1/n, ये पूरी पहली टर्म है, इसको ऐसे शो करेंगे। ये सेकेंड टर्म है पूरी की पूरी, ये T2 है, फर्स्ट टर्म को T1 से भी शो किया जाता है, और n की जगह जो यहाँ पर n ही रहेगा। ओके, सम मालूम करना है, सम टू एन टर्म, तो डेटा बना लें। ए फर्स्ट टर्म क्या है बोले, 1 - 1/n, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, ये बताया था। T2 में से माइनस कर देंगे T1, तो T2 कौन है, सेकंड टर्म आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, 1 - 2/n T2 है, इसमें से माइनस कर देंगे T1 को, T1 है 1 - 1/n। आइए स्टूडेंट देखिए इसमें थोड़ा सा काम, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। यहाँ पर 1 - 2/n को वैसे रहने दें, -1 साइन से ओपन कर दें सर। दो तरीके सॉल्व करने के, माइनस प्लस माइनस वन, और फिर माइनस माइनस प्लस 1/n, ऐसे कर दीजिए, माइनस साइन से ओपन कर दिया ब्रैकेट हट के, उसके बाद ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो क्या बचेगा स्टूडेंट देखिए, यहाँ रह जाएगा माइनस का 2/n और इसके साथ मौजूद है प्लस का 1/n। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एन एलसीएम लेंगे, एन से एन कट गया तो ऊपर माइनस का 2 रह जाएगा, प्लस यहाँ भी एन और एन कट जाएंगे तो ऊपर 1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -1/n। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या सी होगी स्टूडेंट, -1/n, में इसको एक दफा फिर लिख देता हूँ नीचे, तो कॉमन डिफरेंस आ गया थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद -1/n, और याद रखिएगा n की जगह n ही रहेगा, और सम आपको मालूम करना है, ये डेटा आपका तैयार होता है। ओके, तो बाय यूजिंग सम टू एंड टर्म फार्मूला याद होगा आपको, क्या लिखते हैं इसके नीचे, बाय यूजिंग यस सम टू एंड टर्म्स फार्मूला, ये लगा दें। By using sum to n terms formula, क्या फार्मूला देखें स्टूडेंट, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू यस 2a + n - 1, ये आपके सामने फार्मूला। ओके आइए देखें आप क्या करेंगे, कीमतें पुट करेंगे इसमें जाहिर से बात, तो सम तो n की जगह n ही रहेगा, और फिर यहाँ n अपॉन टू होता है, n की जगह n ही रहेगा, यहाँ 2a की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे यहाँ पे, थोड़ा सा आपको तवज्जो के साथ काम करना है, 1 - 1/n, ये a की पूरी ब्रैकेट जो a की वैल्यू 1 - 1/n, ठीक है, 1 - 1/n इज द वैल्यू, फिर प्लस फार्मूले का n - 1, dn की जगह n ही रहेगा यहाँ, और -1 कॉमन डिफरेंस, d की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली है माइनस का 1/n क्या, और कल्ली ब्रैकेट को शायद में सामने आ गया नहीं है। ओके आई स्टूडेंट देखिए, हम इसको सिंप्लीफाई करना है बस, तो सम टू एन टर्म कैलकुलेट करना है, एन अपॉन टू अपनी जगह रहा, और यहाँ देखें क्या होगा, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट को, तो ये टू पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 2 - 1/n से, तो देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2 - 1 = 2, प्लस माइनस माइनस 2 को 1/n से करेंगे तो 2 क्योंकि न्यूमरेटर में है, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 upon 2 upon n। अब यहाँ गलती का जाल है, बात सुलवा इसमें एक कन्फ्यूज, कुछ लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो इस तरह से कन्फ्यूज होते हैं,
वो कहते हैं कि जब आपने टू को वन अपॉन एन से मल्टीप्लाई किया, जरा देखिए हो सकता है कि ये आपकी भी प्रॉब्लम हो। वन अपॉन एन जब आपने टू को मल्टीप्लाई किया तो टू वन दर टू, उनका मानना कुछ इस तरह से होता है कि भाई टू वन दर टू आपने लिखा तो वो टू इस एन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो टू एन क्यों नहीं किया आपने, ये जो टू है इसको आपने जो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करें। नो याद रखिएगा टू जो है न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में वन मौजूद है, उसके नीचे वन होता है लिखते नहीं है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो टू वन तो टू हो जाएगा और नीचे वन एन से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, वन एन बनाएगा या सिर्फ एन बनाएगा। तो पता ये चला कि जब आप किसी नंबर को इस टाइप के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर वाला नंबर न्यूमरेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, वो टू नीचे एन से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। तो देख फिर तक टू वन दर टू, फिर ये टू को जब माइनस वन अपॉन एन से करेंगे तो टू वन दर टू अपॉन एन वैसे ही रह जाएगा। और देखिए यहाँ स्टूडेंट्स क्या होगा, प्लस अभी हम प्लस माइनस माइनस सबसे पहले साइन में मल्टीप्लाई करते हैं, अभी आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, ये माइनस इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगी माइनस बनाएगा, फिर वन अपॉन एन को एन से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इस, आप ऐसे कर लें बात, बल्कि मैं काम करता हूँ थोड़ा सा वो हो जाएगा, इसको जो है हम मिटा देते हैं, माइनस वन अपॉन एन को ले जाते हैं, तो माइनस वन अपॉन एन को पहले एन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस वन अपॉन एन को माइनस वन से, मेरा ख्याल इसमें ज़्यादा बेहतर है। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, देखें माइनस वन अपॉन एन को प्लस एन से करेंगे तो माइनस एन इंटू वन अपॉन एन, सही साइन पहले मल्टीप्लाई होगी माइनस प्लस माइनस, उसके बाद माइनस वन अपॉन एन को माइनस वन से, तो माइनस माइनस प्लस और वन अपॉन एन वन से मल्टीप्लाई होकर वन वन सा वन अपॉन में एन वैसी रह जाएगा, समझ रहे हैं बात को, इस तरह से कर लें। साइन का ख्याल रखना है कि साइन की मल्टीप्लीकेशन में गलती ना हो, लिहाजा इस पोर्शन को आप रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा क्या किया। अब देखें स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे, सम टू एन टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एन अपॉन टू, अब ये टू अपनी जा रहा माइनस का टू अपॉन एन भी अपनी जा रहा, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट यू कैन सी है कि एन से एन कट गया तो माइनस का वन बचेगा डेफिनेटली, तो माइनस वन बचा प्लस उसके आगे मौजूद है वन अपॉन एन रह जाएगा। नाउ यू कैन सी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लस का टू और माइनस का वन, टू में से वन गया तो प्लस वन बचेगा, इसको आप प्लस वन लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू क्या होगा देखें एन अपॉन टू, एस प्लस टू और माइनस वन हो गया वन, फिर उसके आगे मौजूद है माइनस का टू अपॉन एन लिख दीजिए और फिर प्लस का वन अपॉन ब्रैकेट का। अब यहाँ एलसीएम लेना होगा, देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इस वन के नीचे कौन है वन, तो एलसीएम कैसे लिया जाएगा, और जो रहे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, जी स्टूडेंट देखें आप यहाँ पे क्या करेंगे एन अपॉन टू, और ये आपके सामने सिचुएशन है, मैं एलसीएम लेना है यहाँ पर, यस क्या एलसीएम आएगा बोलिए, अपॉन में वन है एन है एन है तो एन बतौर एलसीएम आ जाएगा, फिर चूंकि अपॉन में वन है तो एन डायरेक्ट ऊपर वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा एन वन एन माइनस, फिर एन और एन से एम कट गया ऊपर माइनस टू प्लस, फिर ये भी एन और एन से कट जाएगा ऊपर प्लस वन बचेगा, दैट्स इट सिंपल। इस पर हम गुज़श्ता क्लासेस में बल्कि हर क्लास में बहुत तफसील से बातें करते रहे आपसे, तो एन अपॉन टू अपनी जा रहा, अब ये प्लस का अच्छा यहाँ क्या होगा माइनस टू और प्लस वन इनको ऐड कर लीजिए तो माइनस वन हो जाएगा, तो ये एन अपनी जा रहा और यहाँ माइनस का वन हो गया, अपॉन में क्या मौजूद है इसमें टेन, अब क्या होगा यू कैन सी कि ये जो एन ऊपर नजर आ रहा है और ये एन नीचे ये कट जाएगा। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और देखी गई है, बास बाइस एन को ऊपर वाले एन से काट देते हैं, इससे ये एन इस एन से नहीं कट सकता, उसकी वजह क्या है क्योंकि ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला एन है ये ऊपर आगे माइनस हो रहा है, अगर कोई नंबर माइनस या प्लस हो रहा हो तो वो नीचे वाले नंबर से नहीं काटा जा सकता। हाँ एक सूरत होती है कि अगर ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, मिसाल पर ये जो एन बाहर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिहाजा ये एन नीचे वाले एन से कट सकता है, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, तो एन से एन कट गया तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट देखिए बोलिए, एस एन इज इक्वल टू तो यहाँ पर एन और एन गए तो देखिए यहाँ पर वन बचेगा वन अपॉन टू कटने के बाद वन ही बचता और यहाँ क्या रह जाएगा एन माइनस वन और अपॉन में भी कटेगा तो वन बचेगा, जाहिर सी बात है कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद देखिए यहाँ फिर वही बात आ गई न्यूमरेटर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो वन को एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस वन आ गया और नीचे टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन का टू है, दैट्स इट। ओके आइए देखें कैसे होगा, एस एन इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन टू, तो ये इस तरह से आपका जवाब, उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। ओके तो जिन स्टूडेंट्स ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
पॉजिटिव कमेंट्स करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके सामने लाएं और तकरीबन तमाम सवाल एक्सरसाइज के, कोई एक क्वेश्चन भी ना छोड़ें। तो ये एक मेहनत तलब काम ज़रूर है, लेकिन इसके लिए हमें फ्यूल चाहिए। तो वो फ्यूल क्या होगा? आपके पॉजिटिव कमेंट्स होंगे, आपके लाइक होंगे, आपके सब्सक्राइब होंगे, यही हमारे लिए फ्यूल का काम करेगा। ओके, आइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाओ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरी एक टर्म है कॉमा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरी टर्म फिर कॉमा, तीसरी टर्म है प्लस बी का होल स्क्वायर और कॉमा सो ऑन, फिर आखिर में जो है एन टर्म्स का सम चाहिए। यहाँ वही सिचुएशन है कि एन की जगह एन ही रहेगा, तो जवाब में एन हासिल हो। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सम टू एन टर्म फार्मूला। सॉल्यूशन में फार्मूला लगाने से पहले आपको मालूम करना है सम, याद है ना, सम सम टू एन टर्म्स यानी सीक्वेंस के एन टर्म्स का सम चाहिए, यानी सीक्वेंस का सम मालूम करना है। तो ए कौन से बोलूँ, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर है। डोंट बी कन्फ्यूज के ए यहाँ भी लिख दिया है, यहाँ ये जो ए माइनस बी ए ए है, ये तो टर्म का है, फर्स्ट टर्म का ए है। और हम जानते हैं हमारी थ्योरी के मुताबिक सम टू एन टर्म फार्मूले की, उसमें फर्स्ट टर्म को ऐसे शो किया गया, तो ए है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, उसके लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा। देखें सेकंड टर्म कौन है स्टूडेंट, ये बात भी बाहर आ गई आपसे, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई और ये कौन सी टर्म है, दिस इज सेकंड टर्म। ठीक है, ये टी वन, तो इनको माइनस करें, यहाँ पे थोड़ा सा काम करना होगा, तो मैं नीचे लिख देता हूँ। टी टू की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, फिर टी वन की जगह ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, ये ब्रेक लगाना बेकार है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लें सिंपली, माइनस इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कोई तो बहुत ही मशहूर फार्मूला है, एवरीबॉडी नोज इट वेल, क्या फार्मूला स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यस दिस इज द फार्मूला वी हैव टू अप्लाई हेयर। देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, माइनस से ओपन कर देंगे ब्रैकेट, कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस साइन से ओपन करें तो अंदर वाली साइनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इसके साथ प्लस है तो माइनस प्लस, माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू ए बी, फिर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। नाउ यू कैन सी के कौन सी रकम जो कट रही है, तो प्लस का बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कट जाएगा और माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा सर, जो कटेगा नहीं, प्लस टू ए बी, तो कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट हासिल हो जाएगा टू ए बी। ओके, प्लस का टू, उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, एन की जगह तो एन ही रहेगा, और मालूम क्या करना है, सम टू एन टर्म, एन टर्म्स का सम चाहिए, तो फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला था इसमें याद है, सम टू एन टर्म फार्मूला ये था, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन, ऐसे ही ये फार्मूला जो आपने था। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, तो वो जो है कीमतें पुट करने की बारी आ गई, सम टू एन टर्म एन की जगह एन ही रहेगा, फिर यहाँ एन अपॉन टू एन की जगह एन कर ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ये टू अपनी आ रहा फार्मूले का, ए की जगह फर्स्ट टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म कौन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म ये रही ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह फर्स्ट टर्म आ गई ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये फर्स्ट टर्म थी। ओके, फिर प्लस फार्मूले का, फिर यहाँ पर एन की जगह एन ही रहेगा, जाहिर सी बात एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस है डी, जो अभी निकाला आपने टू ए बी, तो कॉमन डिफरेंस डी की जगह आ जाएगा टू ए बी, कर ली ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, सम टू एन टर्म फार्मूला लगा रहे हैं, लगा दिया है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अपॉन टू अपनी जा रहा। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है सबने बहुत अच्छी तरीके से, कि अगर अगर कुछ कॉमन निकल रहा है रकमों में से, तो कॉमन लेके फौरन बाहर निकाल के कटिंग करके उसको साफ कर दें, एक एक नंबर जो है ना फिर वो डिस्टर्ब करता है एंड में जाने के बाद, हो तो जाएगा सॉल्व लेकिन हारी हो जाएगी इक्वेशन। तो कोशिश ये करें कोई रकम कट रही है कॉमन निकल कर, तो उसको आप पहली फुर्सत में कॉमन लेके काट दें, ताकि इक्वेशन लाइट हो जाए, हल्की हो जाए, उसको हैंडल करना आसान हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे क्या कॉमन है, तो देखें ये टू कॉमन, ये वाला टू यहाँ भी और ये वाला टू यहाँ, ये कैसे कॉमन है भाई, ये पूरी एक टर्म है, टू ए माइनस बी होल स्क्वायर एक पूरी एक्सप्रेशन एक टर्म है। इस तरह ये जो रकम आपको नजर आ रही है दो टर्म्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, जब रकमें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनको एक टर्म ट्रीट किया जाता है, बी केयर को, तो यहाँ पर जो है ये बी एक टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ नजर आ रही है, टू, दैट इज कॉमन, तो इस टू को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो ये काम आपने करना।
जब ये टू बार कॉमन जाएगा तो मल्टीप्लाई का अमल करता है बार, टू कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में से टू कॉमन गया, क्या बचेगा इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ से टू कॉमन गया तो ए बी और एन माइनस वन बचेगा ऐसे ही, और ए बी ओके। अब देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो जो है सम टू एंटर निकाल लें, देखें फायदा क्या होगा इसका, आप समझ गए होंगे टू इस टू से कट गया, तो पर क्या बचेगा, नीचे वन वन लिखते नहीं, तो अब ये हो जाएगा एन कली बैकेट स्टार्ट, यहाँ पर ए माइनस बी को स्क्वायर से खोलना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके साथ देखें यहाँ पर कौन है, यहाँ ए बी से मल्टीप्लाई कर देगा, ये जो ए बी नजर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर आएगा पहले एन से और उसके बाद वन से, तो ये हो जाएगा ए बी एन, ए बी एन, और फिर ए बी माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए बी कम ए बी नहीं। अब देखें फिर से तवज्जो रहे, ये माइनस का टू ए बी और माइनस का ए बी कितने भी हो जाएंगे, माइनस के थ्री ए बी, देखना पड़ेगा चुनना पड़ेगा सेम बेस वाले में कौन सी है, तो सम टू एंटर इज इक्वल टू एन, यस देखें फिर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे शक्ल देनी है फार्मूले की जवाब की, जो जवाब आपकी किताब में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, ये प्लस का ए बी एन लिख लीजिए, क्या लिख लें प्लस का ए बी एन, ये वाली टर्म लिख लें, कौन सी वाली, ये प्लस का ए बी एन, और फिर माइनस का टू ए बी और माइनस का वन ए बी, ये एड होके माइनस का थ्री ए बी बना, ओके। तो चूंकि बुक के मुताबिक आंसर देना है तो उसके मुताबिक ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी प्रायोरिटी होती है कि बुक के मुताबिक जवाब आ जाए, ताकि आप भी तसल्ली कर लें और किसी किस्म सेटिस्फाई हो और समझ के कर लें उस काम को। तो देखें अब क्या होगा स्टूडेंट, उसके बाद बुक में आंसर लाने के लिए उन्होंने क्या किया, सब चीज़ें ऐसी रखी हैं, सिर्फ ये जो टर्म नज़र आ रही है आपको कौन सी दो टर्म्स, इसमें उन्होंने ए बी कॉमन ले, दैट्स इट, क्या किया इसमें सिर्फ ए बी कॉमन ले, बाकी जवाब लिखती आइए आपके सामने आंसर है, तो आंसर देख के आप काम कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये अपनी जा रहा, इसमें से ए बी कॉमन लिया, ए बी कॉमन लेंगे तो उसको लेफ्ट पे भी ले सकते हैं और ब्रैकेट के राइट पे भी, राइट पे लिखा हमने तो हम राइट पे लिख देते हैं, ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ एन, यहाँ से ए बी कॉमन गया तो थ्री, और ये ए बी बाहर उन्होंने इस तरह से लिख दिया, तो दिस इज योर आंसर सम टू एंट्रीज, ये जो है जवाब समझ गए, दिस इज योर आंसर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा इंशाल्लाह। स्टूडेंट ये आपके सामने आठवां पार्ट, देखने में बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है लेकिन है नहीं, आसानी है, टू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए, फर्स्ट टर्म में पूरी, सेकंड टर्म फोर ए माइनस थ्री अपॉन ए, कॉमे के बाद थर्ड टर्म सिक्स ए स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन ए, और टू एंड टर्म्स, एंड टर्म्स का सम हमें कैलकुलेट करना है। आइए देखें स्टूडेंट सवाल बिल्कुल वैसे होगा कैसे सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन में आपने सबसे पहले क्या लिखना है, सोल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो ये आपकी पूरी फर्स्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, और ये जो पूरी रकम है सेकेंड टर्म, तो टी टू बोल सकते हैं इसे, टी वन या ए भी बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, याद है थ्योरी के मुताबिक फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर वो कौन है, टू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए, इससे परेशान नहीं होना कि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये ए जो है ये थ्योरी का फर्स्ट टर्म को शो करते हैं ऐसे, और ये पूरी पहली टर्म, तो कॉमन डिफरेंस है टी का, तरीका क्या होता है टी टू में से टी वन को माइनस कर दें, तो सेकंड टर्म है फोर ए माइनस थ्री अपॉन, इसमें से माइनस करना होगा फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म है टू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर, देखें स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो यहाँ पे इन दोनों में एलसीएम ले लें, इस फोर ए के नीचे कौन है वन, तो वन को ए से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके पहले ब्रैकेट सॉल्व कर, तो ए आपने एलसीएम ले लिया, चूंकि अपॉन में वन है तो ए डायरेक्ट फोर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर माइनस, ये ए से ऐसे कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा थ्री माइनस, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आगे वाली रकम है उसको वैसे ही रहने दें, टू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन, अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ बस कॉमन डिफरेंस में थोड़ी सी मेहनत है, अब यहाँ फिर ए सी मारा अफवा बराए जाने मगरिब, अजान मगरिब शुरू हो गई, मेरी वीडियो पे आप पॉज कर रहे हैं,
यहाँ ए, अब आप हमने एलसीएम लेना है, इन दोनों में बतौर ए एलसीएम आ जाएगा। जब ए एलसीएम लेंगे ए से कट गया, ऊपर क्या बचेगा स्टूडेंट देखें, और से फोर ए स्क्वायर माइनस थ्री माइनस, यहाँ ए से ए साफ हो गया तो ऊपर ब्रैकेट में रह जाएगा सिर्फ टू ए स्क्वायर माइनस। ओके, अब आपने क्या करना है, एक होल अपॉन लाइन डालें पहले गलती से बचने के लिए, फोर ए स्क्वायर माइनस थ्री को आप बगैर ब्रैकेट के लिख सकते हैं, तो फोर ए स्क्वायर माइनस थ्री, वैसे माइनस साइन से ओपन करें तो माइनस प्लस माइनस टू ए स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस वन, दूसरी ब्रैकेट को माइनस साइन से ओपन कर दिया और अपॉन में क्या मौजूद है, नाउ यू कैन सी के फोर ए स्क्वायर और माइनस का टू ए स्क्वायर विल बी एडेड। ये जो फोर ए स्क्वायर है और माइनस का टू ए स्क्वायर, ये एड हो जाएंगे। ओके, आइए तो फोर यानी एट से मुराद सिक्स नहीं हो गया, प्लस माइनस माइनस एट के रूल के मुताबिक फोर में से टू गया तो टू ए स्क्वायर हो गया, और फिर माइनस थ्री और प्लस वन का क्या होगा मामला, माइनस थ्री और प्लस वन का तो ये माइनस टू हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे फिर माइनस का टू और अपॉन में मौजूद है स्टूडेंट है यस, तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ये हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया टू ए स्क्वायर माइनस टू अपॉन। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला। ओके, जगह नहीं बन रही कट गया, चलिए के बाद देखें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस आ गया, अब एन की जगह क्या पुट करेंगे, कॉमन डिफरेंस के बाद एन की जगह एन ही रहेगा और सम टू एन टर्म बताना, सम मालूम करना। ओके, यही था ना भाई कायदा, आइए बाय यूजिंग सम टू एन टर्म फार्मूला, क्या फार्मूला था याद है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, दिस इज अ फार्मूला। यस, कीमतें पुट करें इसमें, थोड़ा लेफ्ट से लेना पड़ेगा ताकि स्टेप आ जाए पूरा, तो सम टू एन की जगह एन ही रखेंगे इज इक्वल टू, फिर एन की जगह एन अपॉन में मौजूद है टू, फिर टू मल्टीप्लाई बाय ए, ए फर्स्ट टर्म है, आइए देखें मेरा ब्रैकेट में थी फर्स्ट टर्म, ये रही टू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए, टू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन, दिस इज अ फर्स्ट टू ए प्लस, फिर फार्मूले में एन आएगा, एन की जगह एन ही पुट करेंगे माइनस वन, उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस डी आपने ये निकाला ऊपर टू ए स्क्वायर माइनस टू अपॉन, तो ये है टू ए स्क्वायर माइनस टू अपॉन, शायद मैं आ गया हूँ सामने, यस मैं सामने गया। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, तो चलो सम टू एंटर, ये अपनी जगह थोड़ा सा मैं स्टेप नीचे करके लिखूं तो ज़्यादा बेहतर, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, थोड़ा सा गौर करें आप, तो इन दोनों टर्म्स में एक चीज कॉमन है, इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है, चलो लेन दुशवारी होगी तो अभी नहीं, पहली टर्म को ऐसी रहने दें टू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए, प्लस ये एन माइनस वन ऐसे ही रहने दें, इन दोनों में टू कॉमन है, और से देखिए ये टू आपको नजर आ रहा है, ये टू कॉमन निकालें, जब आप टू कॉमन निकालेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन डाल के टू यहाँ लिखें, तो टू कॉमन निकलेगा क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ टू ए स्क्वायर में से टू कॉमन गया तो ए स्क्वायर, फिर माइनस टू में से टू कॉमन गया वन, और अपॉन में मौजूद है ए, समझने बात को, टू कॉमन निकाल, अब क्या होगा, अब फिर टू कॉमन है, अब आप सोचोगे अब ये कौन सा टू कॉमन है, ये आपको नजर आ रहे वाला टू और ये वाला टू, ये कॉमन निकल रहा, इसको बाहर कर दीजिए, समझे बात को, क्योंकि ये पूरी एक टर्म है और ये दूसरी वाली भी पूरी एक टर्म है, पिछले पार्ट में भी बताया कि कैसे ये पूरा एक्सप्रेशन एक टर्म कहलाता है। अब देखें स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, मैं देखूँ कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है, अब यहाँ पे टू कॉमन ले लें, टू कॉमन लेंगे तो टू इस एक्सप्रेशन में से कॉमन गया, ये पूरा स्टूडेंट्स ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये समझे बात को, पूरा का पूरा इसमें से टू कॉमन निकाल, टू कॉमन निकालेंगे तो क्या रह जाएगा टू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ये बचेगा और प्लस, और यहाँ क्या होगा, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, कौन सा थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ, ये पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे ग्रीन पार्ट में से आपने टू कॉमन निकाला, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे एन माइनस वन नहीं, और साथ में कौन है इसके ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन, यस
ये रह जाएगा, समझे बात। और बाह वाला टू टू से कट जाएगा, ये सिचुएशन आएगी बीच में। अब क्या होगा, टू से टू कट गया, ओके। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, अब क्या होगा, अब उसमें करेंगे ये बाद में, मुझे देखना पड़ रहा है, चूंकि एस सम टू एंट्रम इज इक्वल टू एन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इन दोनों में एलसीएम लेंगे, तवज्जो रहे, एलसीएम आएगा, ए जो है वो एलसीएम लेगा, ए से ए साफ हो गया, ऊपर क्या बचेगा स्टूडेंट, ऊपर रह जाएगा टू ए स्क्वायर माइनस वन। और यहाँ पे ये पूरी एक ही रकम याद रखिएगा, आप चाहें तो होल अपॉन लाइन यहाँ तक ला सकते हैं, यहाँ ए से ए कट गया तो ऊपर क्या रह जाएगा, फिर ऊपर बचेगा एन माइनस वन, और इसके साथ मौजूद है ए स्क्वायर माइनस वन, ऊपर कर लेते हैं, स्टेप नज़र नहीं आ रहा होगा, क्या किया फिर से ए एलसीएम ले लिया, ए से ए किया ऊपर टू ए स्क्वायर माइनस वन बचा, यहाँ से ए और किया तो एन माइनस वन और ए स्क्वायर माइनस वन बचा, ओके। अब क्या होगा देखिए, सम टू एंट्रम इज इक्वल टू एन, अब सिर्फ आपने इस ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करना है, एन माइनस वन को स्क्वायर माइनस वन से फिर सिंप्लीफाई करना है, और फिर एलसीएम ब्रेक करके जवाब बुक के मुताबिक लाना, तो टू ए स्क्वायर माइनस वन, ये अपनी अगर मैं लाइन डाल देता हूँ पहले, उसके बाद देखिए इनको मल्टीप्लाई करें, तो पहले बारी किसकी है, एन की, इस एन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, फिर एन को माइनस वन से, तो देखें स्टूडेंट क्या होगा, जब एन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर एन होगी, फिर प्लस एन को माइनस वन से, तो प्लस माइनस माइनस एन ही कम है एन। अब किसकी बारी है, बोलिए, अब है माइनस वन की बारी, मैं इसको मिटा देता हूँ, अब बारी है माइनस वन की, माइनस वन को पहले ए स्क्वायर से फिर माइनस वन को माइनस वन से, तो माइनस वन को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर पर, माइनस वन को माइनस वन से, तो माइनस माइनस प्लस वन, और अपॉन में मौजूद है ए, समझ रहे हैं। अब आप देख लें क्या इसमें माइनस हो रहा है, तो यू कैन सी इजीली, नो प्रॉब्लम, कि आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, टू ए स्क्वायर और माइनस का वन ए स्क्वायर, ये जो है टू ए स्क्वायर में से वन ए स्क्वायर गया तो प्लस का वन ए स्क्वायर बचेगा, इसको शुरू में लिख लीजिए, समझ रहे हैं बात। बस हम अपनी मंजिल के करीब आ रहे हैं, सम टू एन ट्रम इज इक्वल टू एन, यस, तो टू ए स्क्वायर में से इसका ऑप्शन बन है, वन स्क्वायर गया तो ए स्क्वायर बचेगा, ओके। और एक चीज़ और गौर करें आप, कटिंग तो देखनी, माइनस का वन और प्लस का वन कैंसिल आउट, ये कट जाएंगे, और क्या रह गया देखिए गौर से, यस, प्लस ए स्क्वायर एन और माइनस एन, अपॉन में क्या मौजूद है ए, ऐसे ही, अब बुक के मुताबिक हमें शेप देंगे, बुक में है माइनस एन अपॉन ए, माइनस एन अपॉन ए मैंने देख लिया, तो ए जो है, अब एक काम करें, यहाँ पे जवाब तो छोड़ सकते हैं आप, यहाँ पे जवाब छोड़ने में कोई हर्ज नहीं, ये जो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन है इसमें क्या कॉमन है, अगर मैं आपसे कहूँ, अब खेलें इसके साथ, क्या कॉमन है बोलिए, आप बोलेंगे इसमें ए स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकालें, ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर में से स्क्वायर कॉमन गया वन बचा, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन गया तो एन रह जाएगा, तो वन प्लस एन और ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, समझने बात को, ये माइनस का एन और अपॉन में क्या मौजूद है, ओके। अब क्या किया उन्होंने, ए को दोनों के नीचे ब्रेक कर दिया, ये पहले एक्सप्रेशन के नीचे भी और एन के नीचे भी, इसे कहते हैं एलसीएम ब्रेक करना, ब्रेक एलसीएम, क्या होगा देखना, ये लिखा हुआ है वन प्लस एन, अगर मैं इसको एन प्लस वन लिख दूं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बुक में आंसर में एन प्लस वन लिखा हुआ है और ए स्क्वायर साथ में, भाई एन पहले देख लो वन बाद में, इससे क्या फर्क पड़ता है, और अपॉन में ए एलसीएम ब्रेक और माइनस एन अपॉन, यहाँ एलसीएम, ये जो ए है दोबारा एलसीएम लेंगे तो वही ऊपर वाली कम आ जाएगी, नहीं समझे बात को, तो इसे ए को दोनों के नीचे ब्रेक कर दिया, आखिरी स्टेप, आखिरी स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, ये जो ए है ऊपर वाले स्क्वायर से कट जाएगा, कौन ये वाला ए कट गया किससे स्क्वायर से, तो ऊपर एक ए बचेगा, तो क्या हो जाएगा, सम टू एन टर्म्स इज इक्वल टू एन, और यहाँ रह गया n प्लस वन, और उसके साथ एक a बचेगा, अपॉन में वन ए लिखते नहीं, आखिर में माइनस एन अपॉन ए, तो दिस इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू योर बुक आंसर, सम टू एन टर्म्स ऑफ द गिवन सम, इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन के आठों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें हमने शुरू में कुछ पार्ट किए थे, पहले
पांच किए थे और आज की क्लास में तीन पार्ट और किए, देख लीजिएगा आप। तो ये क्वेश्चन वन एक्सरसाइज 6.2 के आठवां पार्ट क्वेश्चन वन के कंप्लीट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी मैं चाहूँगा कि आज ही की इस वीडियो में कंप्लीट किया जाए। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर टू है, वन के तो आठों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर टू बहुत ही आसान है, छोटा सा जवाब है इसका। फाइंड सम टू एन ड्रम्स, एन ड्रम्स का सम चाहिए, एन की जगह नहीं है। ओपन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एन ड्रम्स का सम बताइए। हूज फर्स्ट टर्म इज वन अपॉन एन, जिसकी पहली टर्म वन अपॉन एन है, एंड लास्ट टर्म इज एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, यानी इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म दी हुई है और लास्ट टर्म के बने आप, लेकिन कैसे होगा सवाल, यहाँ पर तवज्जो रहे। ये कौन सी टर्म है, वन अपॉन एन, दिस इज फर्स्ट टर्म, इसको ऐसे शो कर सकते हैं, और ये पूरी की पूरी लास्ट टर्म है। अब एन देख के परेशान नहीं होना, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को एल से भी शो करते हैं और टी एन से भी शो करते हैं, टी एन से शो कर दें या एल से, बात एक ही। याद करें, अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली और लास्ट टर्म दी हो और सम मालूम करना हो तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, याद है सेकेंड फार्मूला सम टू एन टर्म, एन अपॉन टू ए प्लस एल वाला, ये हम ड्राइव कर चुके हैं वीडियो में। तो सोल्यूशन में आपने सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखनी है, क्या है फर्स्ट टर्म, वन अपॉन एन, और उसके बाद लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को टी एन या एल की अलामत से शो कर सकते हैं, वो है एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन अपॉन एन, मैं लास्ट टर्म को यहाँ एल से शो कर रहा हूँ, और एन की जगह एन ही रहेगा क्योंकि एन टर्म्स का सम मालूम करना है, एन की जगह, और सम चाहिए तो एस एन आपको कैलकुलेट करना है, बन गया डेटा बाय यूजिंग सम टू एन टर्म्स फॉर। अब यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या फार्मूला था स्टूडेंट, अभी बताया बाय यूजिंग सम टू एन टर्म फार्मूला, कौन सा वाला, दो फार्मूला, एक एन अपॉन टू, एक है टू ए प्लस एन माइनस ट्वेंटी वाला, वो तो लगेगा नहीं है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, एन प्लस एल वाला फार्मूला लगाएंगे, एन अपॉन टू और टू ए प्लस एल, सॉरी क्या यहाँ पर ए प्लस, फर्स्ट टर्म है यहाँ पर है ए प्लस एल, ये है फार्मूला एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, ए फर्स्ट टर्म और एल लास्ट टर्म जो दी हुई है यहाँ पर। तो कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म की जगह क्या पुट कर देंगे, वन अपॉन एन, और लास्ट टर्म की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, जवाब आ गया, बहुत ही आसान सा था, अगर ये आ जाए इम्तिहान में तो बारह न्यारे, एन अपॉन टू एन की जगह एन ही रहेगा, यस ए की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, वन अपॉन एन, ए की वैल्यू देख लीजिए, वन अपॉन क्या लिखे एन प्लस एल, लास्ट टर्म ही आपके सामने दिखी हुई है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, और अपॉन में क्या मौजूद है, अपॉन में मौजूद है ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आपने एलसीएम लेना है एन और कटिंग कर देनी है, जवाब तो सम टू एन टर्म्स मालूम करना है इज इक्वल टू एन अपॉन टू, यहाँ पे क्या एलसीएम आ रहा है, गौर से देखिए एन और एन, तो एक बतौर एन एलसीएम आ गया, एन से एन किया ऊपर वन बचेगा, प्लस यहाँ भी एन से एन कट गया तो ऊपर रह जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। उसके बाद यू कैन सी स्टूडेंट के क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस कुछ कटिंग हो रही है, कुछ भी कटिंग, हाँ एक हो रही है, एन नीचे वाले एन से कट जाएगा, नहीं समझे बात, आज ही की इस वीडियो में इस पर बात कर चुके हैं हम, ये कटिंग कब होती है कब नहीं होती। तो सम टू एन टर्म इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे, वन अपॉन टू, और यहाँ और से देखें स्टूडेंट क्या रह जाएगा, ये प्लस का एन स्क्वायर लिखेंगे फिर माइनस का एन और प्लस वन एड होकर प्लस टू बनाएंगे, चाहे तो आप प्लस टू पहले लिख लें, लेकिन बुक में पहले उन्होंने एन स्क्वायर लिखा जवाब में, फिर माइनस का एन लिखा, फिर प्लस वन को ऐड करके प्लस टू लिखते हैं, ओके। और उसके बाद आप चाहें तो उसको यूँ भी कर सकते हैं, इस टू को इसके नीचे लिख दीजिए, यानी बुक की शक्ल अगर देनी है आंसर की तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू, इस टू को इसके नीचे खिसका दें, होल अपॉन डाल के कहाँ लगा दें टू, ये एक ही बात है क्योंकि न्यूमरेटर पर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और टू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे कौन है, वन होता है लिखते है, नहीं तो टू वन से मल्टीप्लाई हो गया, टू वन था, समझ रहे हैं बात को, इस तरह से जो है आपका सम टू एन टर्म हासिल हो जाएंगी, बस यही जवाब होगा, रिक्वायर्ड सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, जिसकी फर्स्ट टर्म वन अपॉन एन और लास्ट टर्म एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एन प्लस वन अपॉन एन की बनती है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, चलें बस यहीं तक रखते हैं, जिन्होंने जिन तुलमा ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पट्टी चल रही होगी साइड में, सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमें फ्यूल दें।
थैंक यू वेरी मच, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, खुदा हाफिज़। फिर इसकी वीडियो 3 थी, अब वीडियो नंबर 4 होगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट है वो डिस्कस करेंगे आपसे इंशाल्लाह।